जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का, जिसे बोलता है सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति शास्त्र, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर दूसरा ये हो जाएगा, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इस चैप्टर से जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना सीबीआई क्लासेस को। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था जो है ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका जो है एक संघ सरकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो नगर निगम की स्थापना जो की गई थी सर्वप्रथम चेन्नई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या फिर केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। तो इसका सही आंसर है राजस्थान से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो इसका सही आंसर है 22 है, 22 भाषा है राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या के रूप में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो केंद्र शासित क्षेत्र मिजोरम जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। तो ग्राम कचहरी का अंग कौन नहीं है, मुखिया जो है ये ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। तो कितनी देशी रियासतें थी, 563 थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है। तो न्याय मित्र जो होता है वो ग्राम कचहरी का सेवक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है। तो संघात्मक है भारतीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, राज्य परिषद नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? फजल अली थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, तो क्या होती है स्थापित? नगर पंचायत होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के मुख्य शासक प्रशासक को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नगर प्रधान कहा जाता है। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, नगर आयुक्त याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, तो कितना है? 543 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है? हाथ का पंजा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 में बना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।